Hello, my dear students. Welcome to your own Bioacademy, where biology is made simple. Now, today we are continuing with the chapter 2, biological classification, and the topic is kingdom protista. Protista word was coined by Haeckel, and these protistas are unicellular, single-celled, eukaryotic organisms. In organisms mein, बिकॉज ये यूकैरियोटिक हैं तो इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड जितने भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं इन सब के आसपास उनकी मेम्ब्रेन होती है. सो वी कैन से कि ये ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. मोस्टली ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं एंड इनमें सूडोपोडिया, फ्लैजेला या सीलिया, कोई भी तरह के लोकोमोटिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिससे ये अपनी मूवमेंट करते हैं. दे कैन बी फोटो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, मतलब या तो लाइट में अपना वो खाना बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, या फिर दे मे बी डिपेंडिंग ऑन दी अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड मटेरियल. पैरासिटिक हो सकते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रहते हैं. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखा सकते हैं, गिव एंड टेक रिलेशनशिप मीन्स जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ में, या फिर सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं जैसे फंगस होते हैं, या फिर दे विल बी शोइंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक एनिमल्स. पूरा का पूरा ओरिजिनल फॉर्म में फूड खाते हैं, बाद में इसको ब्रेक डाउन किया जाता है बॉडी के अंदर. रिप्रोडक्शन सेक्शुअल या एसेक्शुअल दोनों तरह से हो सकता है. एसेक्शुअल है तो फिशन या स्पोर फॉर्मेशन से होगा. फिशन का मतलब है एक बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है सिंपल बाय माइटोसिस. एंड स्पोर फॉर्मेशन में इट डेवलप अ स्ट्रक्चर लाइक स्पोरांजिया या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स भर जाएंगे और ये जब बर्स्ट आउट हो जाएगा तो उसके बाद ये स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे. तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को वी से स्पोर फॉर्मेशन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप इन विच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज इवॉल्व्ड. यहाँ पे पहली बार सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखी गई थी. तो प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे फर्स्ट टाइम द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वॉज सीन. इसका मतलब देर वॉज प्रॉपर मेल एंड प्रॉपर फीमेल्स वेयर प्रेजेंट. They have well-defined boundaries which are not going to show whether it is fungus, plants or animals. मतलब यहाँ पे they are showing a connecting link. मतलब कोई boundaries नहीं है fungus, plants और animals में. Protista एक ऐसा group है organisms का जो एक connecting link है between the fungus, plants and animals. मतलब ये है इसका कि ये तीनों के बीच में कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं प्रेजेंट हैं. तीनों के कैरेक्टर्स इस ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखते हैं. सो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक कनेक्टिंग लिंक है जो एवोल्यूशन दिखाता है. इट इज़ शोइंग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब तीनों के कैरेक्टर्स प्रोटिस्टल ऑर्गेनिजम्स में दिखते हैं. अगर हम बात करते हैं डिवीजन की प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टेंस को हम तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है फोटोसिंथेटिक ग्रुप, दूसरा है कंज्यूमर या डिकम्पोजर्स दैट इज हेटरोट्रॉप्स हैं, एंड तीसरा है जिसमें टोटली एनिमल लाइक कैरेक्टर्स दिखते हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिवाइड दीज प्रोटिस्टास इंटू थ्री ग्रुप्स. पहला प्लांट लाइक कैरेक्टर्स वाले फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस, सेकेंड फंगस लाइक कैरेक्टर्स वाले सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टेंस, एंड एनिमल लाइक कैरेक्टर वाले प्रोटोजोअन्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोटिस्टास. अब ये जो पहले प्रोटिस्टास हैं, वी आर गोइंग टू सी द प्रोटिस्टास विच आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, दीज आर एबल टू डू फोटोसिंथेसिस. एंड इनमें हमने तीन कैटेगरीज में इन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को डिवाइड कर दिया है. विच आर फर्स्ट वन दैट इज डाइनोफ्लैजेलेट्स,
Seconds are diatoms and desmids, and third is euglenoids. Or you can take in different manner also. आप इनको बोल सकते हो pyrophytes, chrysophytes and euglenophytes. You can divide in photosynthetic protist को आप तीन भागों में भी divide कर सकते हो. पहला pyrophytes, दूसरा chrysophytes, तीसरा euglenophytes. Pyrophytes में आते हैं dinoflagellates, chrysophytes में आते हैं diatoms and desmids, and euglenophytes में आते हैं euglenoids. Let's see the first one, that is pyrophytes. Division pyrophyta के अंदर जो आते हैं they are called as dinoflagellates. ये dinoflagellates, they are the organisms which emits light and they show bioluminescence. इनमें एक अलग तरह की एक इनकी capacity है. They show bioluminescence. Bioluminescence का मतलब होता है they emit light. And ये जो specially this one Noctiluca, ये जो organism है जो एक dinoflagellate है, ये रात को समुद्र में लाइट एमिट करता है. पूरा का पूरा समुद्र चमकने लगता है. ऐसे लगता है बहुत सारी लालटेंस लटकी हुई हैं, बहुत सारे दिए जल रहे हैं समुद्र के अंदर. एंड ये शिप्स को हेल्प करता है उनकी डायरेक्शन दिखाने में. ओके, सो दीज डाइनोफ्लैजेलेट्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एनी एंड इनमें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं. बहुत डिज़ाइन पैटर्न्स एंड बहुत सारे तरह का इनके अंदर हमको डिफरेंस डिफरेंट इन कैटेगरीज भी नज़र आती हैं. इन डाइनोफ्लैजेलेट्स के अंदर बहुत सारे तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स नज़र आते हैं. लेट्स सी, डाइनोफ्लैजेलेट्स मोस्टली मरीन हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं. ज़्यादातर मरीन है, समुद्र में ही होते हैं, खारे पानी में होते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में भी हमको ये पायरोफाइट्स डाइनोफ्लैजेलेट्स देखने को मिलते हैं. इनकी सेल वॉल जो होती है, इनमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि दे हैव गॉट स्कल्पचर्ड प्लेट. डिज़ाइंस होते हैं इनके ऊपर. यू कैन सी हियर गाइनोलक्स, देखो आप गोनियोलक्स को आप, यू कैन सी हियर दे हैव गॉट डिज़ाइन, पैटर्न डिज़ाइन होता है उनके सेल प्लेट के ऊपर या उनके शेल के ऊपर आप बोल सकते हो. एंड ये जो प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट्स दिख रहे हैं आपको, ये प्लेट्स है, दीज प्लेट्स, ये प्लेट्स जो हैं दे आर स्कल्पचर्ड प्लेट विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन के बने हुए होते हैं. बिकॉज ये प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करते हैं, इसलिए इन प्रोटिस्ट को हम आर्मर्ड प्रोटिस्ट भी बोलते हैं. लोकोमोशन जो होता है, इट इज़ सीन बाई टू टाइप्स ऑफ फ्लैजेला. इसलिए इनके फ्लैजेला को हेटरोकॉन्ट फ्लैजेला भी बोलते हैं. हेटरोकॉन्ट का मतलब होता है दो तरह के फ्लैजेला. तो इसमें दो तरह के फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला होता है और दूसरा लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेला होता है. आई विल बी ड्रॉइंग एंड शोइंग यू नाउ. मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगी. ये हेटरोकॉन्ट फ्लैजेला की वजह से एक फ्लैजेला जो है, सपोज दिस इज वन एंड यहाँ पर आपको इस तरह से दो ग्रूव्स नजर आएंगे. एक है लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव लाइक दिस और दूसरा है ट्रांसवर्स लाइक दिस. तो ये जो फ्लैजेला है आपको दिख रहा है, ये दो फ्लैजेलास है. जो लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेला है ये स्ट्रेट होगा और जो हॉरिजॉन्टल फ्लैजेला है ये ऐसा रिबन लाइक है. तो ये दोनों फ्लैजेला जब एक साथ मूव करते हैं, तो एक साथ मूव करने की वजह से दे आर गोइंग टू शो अ लट्टू लाइक मूवमेंट. ये ऐसा मूवमेंट दिखाते हैं जैसे लट्टू घूमता है ना, स्पिन करता है, उस तरह से लट्टू की तरह मूवमेंट दिखाता है. लाइक अ टॉप, यू नो, जैसे टॉप को आप घुमाते हो तो वो गोल गोल घूमता है, सेम वैसे ही ये दोनों फ्लैजेला एक साथ मूवमेंट दिखाते हैं. तो दे शो अ स्पिनिंग मूवमेंट एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज वर्लिंग विप्स. इनको वर्लिंग विप्स भी बुलाया जाता है बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग मूवमेंट. एंड दिस स्पिनिंग मूवमेंट इज ड्यू टू दीज टू फ्लैजेलास. ओके, नाउ इनमें जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज गोइंग टू बी विद द हेल्प ऑफ द पिगमेंट्स. इससे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, एंड दे हैव गॉट अल्फा कैरोटीन्स एंड एट द सेम टाइम ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है. ये सारी चीज़ें आपके नीट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं. वैक्यूल, इसमें नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जिसको हम पिस्यूल बुलाते हैं. देर इज़ अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विच इज़ कॉल्ड एज पिस्यूल. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग,
कि ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं दे बिलोंग टू मीज़ोकैरियोट्स. आपने पढ़ा है प्रोकैरियोट्स, आपने पढ़ा है यूकैरियोट्स, बट मीज़ोकैरियोट एक ऐसा ग्रुप है जिसमें क्रोमोसोम्स तो प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन ये क्रोमोसोम विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए होते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने मीज़ोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में डाला है. तो ये डायनोफ्लैजेलेट मीज़ोकैरियोट्स होते हैं. इनके अंदर क्रोमोसोम हैं पर उनमें हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए नहीं होता है. रिप्रोडक्शन अगेन बाय फिशन, स्पोर फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, बिकॉज आई टोल्ड यू कि यहाँ पहली बार प्रोटिस्टेंट्स के अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी थी. ये इतने रैपिड मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं एंड दे फॉर्म रेड टाइड्स. पूरे के पूरे ऐसा लगता है समुद्र में जो टाइड्स आते हैं, जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि लहरें जो आती हैं वो लहरें लाल रंग की दिखती हैं. जब समुद्र में लहरें आती हैं तो ये लहरें लाल रंग की लहरें आती हैं एंड दे फॉर्म रेड टाइड्स. ये स्पेशली जो डायनोफ्लैजेलेट्स लाइक गोनियोलिक्स, जिम्नोडियम, ये देख सकते हो आप यहाँ पर गोनियोलिक्स है, यहाँ पर जिम्नोडियम है. ये जो दोनों हैं मोस्टली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द रेड टाइड्स. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नॉक्टिल्यूका है, ये जो नॉक्टिल्यूका है दीज आर बायोल्यूमिनेसेंस एंड ये दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट लैम्प्स. आई टोल्ड यू कि ये रात को ऐसा लगता है कि बहुत सारी लालटेन्स समुद्र में फैली हुई हैं. नाउ आई जस्ट एक्सप्लेन इट कि ये जो लोकोमोशन होता है, मैंने आपको बताया कि लोकोमोशन कैसे दिखेगा. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. नाउ यू कैन सी हियर, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर इस तरह से, ये ऑर्गेनिज्म ऐसा कुछ होता है और इसके ऊपर पूरी तरह से ये प्लेट्स हैं. किसकी बनी है ये प्लेट्स? ये प्लेट्स बनी हुई हैं सेल्यूलोज की एंड पेक्टिन की, ये पूरे के पूरे. अब बिकॉज इसमें डिज़ाइनिंग पैटर्न्स बहुत सुंदर होता है, बहुत प्यारा दिखते हैं ये, तो इनको वी ऑल्सो कॉल देम एज दे हैव आर्मर्ड प्रोटिस्ट, बिकॉज ये आर्मर जैसा दिख रहा है. देखो अब यहाँ से आपको एक फ्लैजेला नज़र आएगा और यहाँ पे एक फ्लैजेला नज़र आएगा. बिकॉज ये दो तरह के फ्लैजेला हैं तो इनको बोलेंगे हेटरोकॉन्ट फ्लैजेला. दो अलग अलग टाइप के फ्लैजेला, एक है स्पाइरल फ्लैजेला रिबन लाइक और दूसरा है स्ट्रेट फ्लैजेला, ठीक है ना. सो बिकॉज ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द फ्लैजेला, ये फ्लैजेला इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये फ्लैजेला इस डायरेक्शन में मूव करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ गोइंग टू शो अ लट्टू लाइक मैकेनिज्म. तो ये पानी में इस तरह का मूवमेंट गोल 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 दिखेगा. इट विल नॉट कम स्ट्रेट टू यू, डेफिनेटली नॉट. जब ये आपके पास आना चाहेगा, आप उसको बुलाओगे तो इट इज़ गोइंग टू शो मूवमेंट लाइक दिस, लट्टू लाइक मूवमेंट. दिस इज बिकॉज ऑफ दीज हेट्रोकॉन्ट फ्लैजेलास. ओके एंड एट द सेम टाइम मैंने आपको बोला कि ये रेड टाइड्स फॉर्म करते हैं. रेड टाइड्स विच इज लाल रंग की लहरें आती हैं. ध्यान रखो रेड सी अलग है, रेड टाइड्स अलग है. नेक्स्ट वन, अब ये नेक्स्ट चीज़ जो मैंने यहाँ पे दिखाई है दैट इज डायोटोम्स, डायोटोमस अर्थ. ये जो पाउडर यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज डायोटोमस अर्थ विच इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ दीज डायनोफ्लैजेलेट्स. अब हम देखेंगे अगला, दैट इज डायोटोम्स. और ये दिख रही है आपको रेड टाइड्स यहाँ पे, दीज आर रेड टाइड्स. I've shown this picture, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इतने सारे डायनोफ्लैजेलेट्स हैं जिनकी वजह से लहरें जो आ रही हैं उनके साथ में ये ऊपर की तरफ, जब पत्ते ऊपर की तरफ आते हैं तो ऐसे लगता है कि लाल रंग की लहरें आ रही हैं, पानी लाल हो गया है. नेक्स्ट वन डायोटोम्स. डायोटोम्स बिलोंग्स टू क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स को बिलोंग करते हैं. ये डायोटोम्स मरीन भी होते हैं, समुद्र में भी होते हैं एज वेल एज फ्रेश पानी में भी पाए जाते हैं. लेकिन डायोटोम्स जिस तरह से आपने डायनोफ्लैजेलेट्स में देखा कि उनमें डिज़ाइनिंग पैटर्न होते हैं उनके प्लेट्स के ऊपर, सेल प्लेट्स के ऊपर, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी
इतने डिजाइनिंग पैटर्न्स होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते. बस आप सोच लो कि हर पैटर्न में, बटन से लेके आपको हर फॉर्म में ये डिजाइनिंग पैटर्न नजर आएंगे. यहाँ पे देखो, मैंने एक डायग्राम दिखाया आपको, ये जो दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे डायटोम्स हैं. सोच नहीं सकते, ऐसा लग रहा है कि हाथ से डिजाइनिंग पैटर्न बनाया हुआ है, पर ऐसा नहीं है. ये नेचुरल डिजाइनिंग पैटर्न है, बट दे आर माइक्रोस्कोपिक. इतने छोटे होते हैं, दिखते नहीं हमको इजीली, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखें तो इतने डिजाइनिंग पैटर्न्स होते हैं इनके अंदर. इनकी जो सेल वॉल है वो सिलिका एंड सेल्यूलोज की बनी होती है, इसीलिए थोड़ी मरने के बाद ये हार्ड हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म. सेल वॉल ट्रांसपेरेंट है एंड डिवाइडेड इनटू टू हाफ, अपर एंड लोअर हाफ. तो ऊपर वाले को जैसा सोप का डब्बा होता है, साबुन का, जो साबुनदानी होती है जिसमें हम साबुन रखते हैं, बिल्कुल सोप बॉक्स की तरह या सोप डिश की तरह ये नज़र आता है. ऊपर वाले पार्ट को जैसे ये देखो, ये यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है, ये पिक्चर देखिए आप. यहाँ पे आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है ये वाली, दिस इज़ अ डायटोम. ओके, तो ये जो डायटोम, आप इसको बोलते हैं पिनुलेरिया है, ये एक तरह का ये ऑर्गेनिज्म, डायटोम का नाम है पिनुलेरिया. तो पिनुलेरिया में आपको बहुत क्लियरली नज़र आएगा कि बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है. ऊपर वाले को बोलते हैं एपिथीका एंड नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोथीका. हाइपोथीका तो ऊपर एंड नीचे, ऐसे खोलेंगे तो एपिथीका ऊपर और नीचे हाइपोथीका, तो वो कुछ ऐसा नज़र आएगा. दिस इज द स्ट्रक्चर. सो दिस वन इज गोइंग टू बी एपिथीका एंड दिस इज गोइंग टू बी हाइपोथीका. ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा. लेकिन इनकी जो लोकोमोशन है, अब चलेंगे कैसे? इनके पास ना तो फ्लैजेला है और ना है तो सीलिया नज़र आ रहे हैं, तो ये चलेंगे कैसे, पानी में घूमेंगे कैसे? ये फ्लैजेला इनमें एब्सेंट होता है, तो इनके ऊपर, सेल के ऊपर आपको एक म्यूसिलेजनस कवरिंग नज़र आएगी. इस तरह की एक म्यूसिलेजनस कवरिंग नज़र आएगी इसके ऊपर. ये जो है वो म्यूकस जैसा कुछ नज़र आएगा. इस म्यूकस की हेल्प से ये मूवमेंट करेगा, इसलिए इनमें जो मूवमेंट होती है इनको बोलते हैं म्यूसिलेजनस प्रोपल्शन. डायनोफ्लेजिलेट्स में हमने देखा, वहाँ पर है, वी कॉल दोज एज द स्पिनिंग मूवमेंट और वर्लिंग विप्स बुलाते हैं उनको. वी कॉल देम एज वर्लिंग विप्स और स्पिनिंग मूवमेंट, क्योंकि वो लट्टू जैसी मूवमेंट दिखाते हैं. डायटोम्स म्यूसिलेजनस प्रोपल्शन, सरकते हैं, सरक सरक के जाते हैं, खिसकते हैं इस म्यूसिलेज में, इस म्यूकस के अंदर. वो स्लिपरी होते हैं, सो खिसक खिसक के जाते हैं. इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन एंड जैंथियम. सेम थिंग, लेकिन वहाँ पर अल्फा कैरोटीन था, डायटोम्स में बीटा कैरोटीन होता है. इनके अंदर, डायटोम्स के अंदर एक सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकोसिन, विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट होता है. एंड ये जो वॉल्यूमिनस ग्रैन्यूल्स है, और दिस इज एक्चुअली वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, इसको आई विल जस्ट टेल यू, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, दीज आर, जस्ट राइट इट वेरी क्लियरली, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स. ओके, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है. ओके, सो दिस इज वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स विच आर प्रेजेंट, एंड ऑयल होता है, यही ऑयल जो फिश के अंदर प्रेजेंट होता है, सेम ऑयल जो फिश के अंदर होता है जो उसको फ्लोटेशन में हेल्प करता है, यही ऑयल यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है. इसके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, दीज आर यूकैरियोट्स, न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है. एंड जब ये मर जाते हैं, तो ये मरने के बाद, इनकी डेथ होने के बाद, ये डायटोम्स नीचे बिल्कुल तल पे, बिल्कुल बेस पर जाकर वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं. एंड दे स्लोली एंड ग्रेजुअली, इनका जब डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो दे फॉर्म अ रफ पोरस ग्रिटी पाउडर जैसा सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको बोलते हैं डायटोमाइट्स. एंड इसको हम यूज़ करते हैं क्रोमैटोग्राफी में, फिल्ट्रेशन में एंड पॉलिशिंग में, बिकॉज ये ग्रिटी होता है, पोरस पाउडर होता है. एंड डायटोम्स आर सेट टू बी द चीफ प्रोड्यूसर्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो खाना बनाने का काम करते हैं ये बंदे डायटोमस है. इससे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है ये बेचारों से. ओके, बिकॉज दे आर मैक्सिमम फूड जो बनता है वो यही, इन्हीं लोगों से बनता है, और यही लोगों को के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं. सो दे आर सेट टू बी चीफ एक्वाटिक प्रोड्यूसर, जिसके ऊपर बहुत सारे कंज्यूमर्स अपने खाने पीने के लिए डिपेंड करते हैं. अब ये पोल्यूटेंट इंडिकेटर भी हैं,
दीज आर ऑल्सो इंडिकेटिंग द पोल्यूटेंट. यहाँ पे देखो ये डायटोमस अर्थ है, जब ये मर जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं धीरे धीरे, ये जो पाउडर है दिस इज अ पोरस ग्रिटी पाउडर जिसको हम यूज करते हैं इन फिल्टरेशन, क्रोमैटोग्राफी एंड पॉलिशिंग में यूज किया जाता है. नाउ ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इनका, दे आर गोइंग टू शो टू कवरिंग्स. ऊपर वाला इसको बोलते हैं एपीथीका थीका एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथीका. ओके, और इसके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है इस तरह से, ये पूरा. एंड ये जो म्यूसिलेजिनस कवरिंग है ये म्यूकस जैसी है, स्लिपरी है, स्लाइमी है, एंड इस स्लाइमी की वजह से ये फिसलता है एंड दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू शो म्यूसिलेजिनस प्रोपल्शन. ये अपने आप को प्रोपेल करते हैं, घसीटते हैं उस स्लिपरी जगह में. नाउ लेट्स गो टू यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिनॉइड्स दीज आर द प्रोटिस्ट विच आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स. सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, दैट्स वाई दे आर शोइंग एनिमल लाइक फीचर्स. इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल कवरिंग प्रेजेंट होती है पूरे बॉडी पे, जिसको हम पेलिकल बुलाते हैं. एंड ये जो पेलिकल है ये पैरेलल स्ट्रिप्स की बनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज मायोनीम्स. नाउ यू कैन सी हियर दैट इनकी जो लोकोमोशन है, ये लोकोमोशन कैसे होती है? लोकोमोशन इट इज गोइंग टू शो थ्रू द फ्लैजेला. ये जो फ्लैजेला होता है, यहाँ पर दो तरह के फ्लैजेलास दिखेंगे. जिस पॉइंट से फ्लैजेला बाहर निकलता है इनको बोलते हैं ब्लीफेरो ब्लास्ट, जहाँ से फ्लैजेला बाहर निकलता है. एक फ्लैजेला लंबा होता है और दूसरा फ्लैजेला छोटा होता है. जो लंबा फ्लैजेला है इट इज़ गोइंग टू हैव दीज फ्लिमर्स ऑन इट, इस तरह के फ्लिमर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज फ्लिमर्स. एंड ये जो फ्लैजेला है ये एंड अलॉन्ग विद द पेलिकल्स जो पैरेलल स्ट्रिप्स होते हैं ये दिखाते हैं इसको रिगलिंग मूवमेंट्स. देर आर रिगलिंग मूवमेंट्स, मतलब इस तरह से जैसे अर्थवॉर्म चलता है वैसा कुछ मूवमेंट दिखाते हैं, रिगलिंग मूवमेंट पानी में ये दिखाते हैं. इनमें रेड कलर का स्पॉट्स यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर में आपको, कि देर इज़ अ रेड कलर स्पॉट. और ये जो रेड कलर स्पॉट है दिस इज नथिंग बट इट इज आई. रेड कलर स्पॉट जो है दैट इज द आई ऑफ दैट. ओके, सो यहाँ पे आपको रेड कलर स्पॉट दिख रहा है, दैट इज द आई ऑफ दैट यूग्लिना और यूग्लिनॉइड, सॉरी. ओके, नाउ हियर, अब ये रेड कलर क्यों प्रेजेंट होता है? बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड एज एस्टाजैंथिन. न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन दो तरह का दिखाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. मिक्सोट्रॉफिक का मतलब है ये जब लाइट मिल रही है इनको तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. ओके, और जब लाइट नहीं मिल रही है तब ये सैप्रोफिटिक बन जाते हैं. एब्सेंस ऑफ लाइट में, जब लाइट नहीं है तो ये सैप्रोफाइट बन जाते हैं. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. मतलब लाइट मिल रही है तो चुपचाप खाना बनाओ और नहीं मिल रही है तो दूसरों को खाओ. दिस इज कॉल्ड एज मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन. रिजर्व फूड यहाँ पे पायरोमायलॉन होता है विच इज अगैन अ कार्बोहाइड्रेट. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट. सेक्सुअल इसमें एब्सेंट होती है, दे डोंट शो एनी काइंड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब अगर हम इन यूग्लिनॉइड्स की बात करती हैं, लेट्स सी दिस यूग्लिना का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, सो यू जस्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस यूग्लिना. ओके, नाउ जस्ट सी यहाँ पे. अब मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर दीज आर कॉल्ड एज ब्लीफेरोब्लास्ट. ब्लीफेरोब्लास्ट मतलब ये पॉइंट जहाँ से ये फ्लैजेला निकलते हैं. दो तरह के फ्लैजेला प्रेजेंट हैं, एक है फ्लिमर्स वाला फ्लैजेला जिस पर फ्लिमर प्रेजेंट है, दूसरा वाला स्मूथ फ्लैजेला है. दो तरह के फ्लैजेला हैं,
ऐसे कंडीशन को हेट्रोकॉन्ट कंडीशन बोलते हैं, जहाँ पर दो तरह के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक फ्लिमर वाला फ्लैजिला, एक स्मूथ फ्लैजिला। दिस फ्लिमर वाला लॉन्ग है फ्लैजिला एंड स्मूथ वाला शॉर्ट फ्लैजिला है। ये पॉइंट जहाँ से ये निकलते हैं इनको बोलते हैं ब्लीफेरोब्लास्ट, जहाँ से फ्लैजिला निकलते हैं, ओके। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको एक रेड स्पॉट नज़र आएगा अंदर की तरफ, इस कैविटी में अब अंदर की तरफ अगर हम ड्रॉ करेंगे आपको जैसे वहाँ दिख रहा है, सो देयर विल बी अ रेड स्पॉट, दिस विल बी अ रेड स्पॉट, मतलब इट इज़ कॉल्ड एज आई स्पॉट भी बोलते हैं इसको, इट इज़ कॉल्ड एज आई स्पॉट विच इज़ रेड इन कलर, ओके। ये पूरे के पूरे बॉडी पे यहाँ पर मैंने क्या बोला, इस तरह से पैरेलल स्ट्रिप्स नज़र आएंगी आपको, दीज पैरेलल स्ट्रिप्स आर कॉल्ड एज मायोनीम्स बुलाते हैं इनको, दे आर कॉल्ड एज मायोनीम्स, मतलब ये जो पूरी कवरिंग है इट इज़ मेड अप ऑफ पेलिकल, और ये पेलिकल के ऊपर, ये पेलिकल पैरेलल स्ट्रिप्स की बनी होती है, ये पेलिकल पैरेलल स्ट्रिप्स की बनी होती है विच आर कॉल्ड एज मायोनीम्स। ये पेलिकल कैसी है, कॉन्ट्रैक्टाइल है, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन करने की, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन करने की ताकत होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूग्ली नॉइड्स, और कैसा न्यूट्रिशन दिखाता है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स दे आर द सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, मतलब जिसमें फंगस लाइक कुछ दिख रहा है, दे आर शोइंग फंगस लाइक एक्टिविटीज, इनको बोलेंगे हम, फंगस लाइक वाले जो होते हैं इनको हम बुलाएंगे स्लाइम मोल्ड्स। ये फंगस नहीं है, फंगस जैसा है लेकिन ये प्रोटिस्टन है, सो इनको हम सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टन्स भी बोलते हैं, ओके। नाउ इसके अंदर होता क्या है, अगर आप इस वीडियो को देखोगे, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, तो आप इजीली अंडरस्टैंड करोगे मैं क्या बोल रही हूँ। प्लस पहले सुन लीजिए, सोमैटिक फेज जो है एक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड एज प्लास्मोडियल और प्लास्मोडियम, वो प्लास्मोडियम नहीं जो मलेरिया कॉज करता है, वो वाला नहीं, ओके, बट इसको भी प्लास्मोडियम या प्लास्मोडियल बोलते हैं। तो ये मास जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है एंड इट फॉर्म्स अ सीनोसिटिक कंडीशन। सीनोसिटिक मतलब इस तरह से न्यूक्लियस पूरे के पूरे इसमें प्रेजेंट है, इस मास में, लेकिन इन न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल नहीं है, सारे के सारे न्यूक्लियाई ऐसे प्रेजेंट हैं विदाउट सेल वॉल, ऐसे मास को हम बोलते हैं सीनोसिटिक कंडीशन, ओके। दिस रिजेंबल्स एनिमल लाइक फीचर, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, डिप्लॉयड कंडीशन होती है। अनफेवरेबल कंडीशंस में इसके ऊपर पूरे स्पोरेंजिया बन जाते हैं एंड दे रिजेंबल फंगाई। स्पोरेंजिया ये पूरा जो खाना है, ये जो सीनोसिटिक कंडीशन दिख रही है, ये जो प्लास्मोडियल है, इस प्लास्मोडियम को यूज़ करके स्पोरेंजिया बन जाते हैं, उसमें पपीले आते हैं एंड देन इस पपीले ये क्या करता है, पूरा का पूरा जो डिकम्पोजिशन है ये काम करता है, जितना गंदगी है उसको पूरा खा लेता है, इस पूरे प्लास्मोडियम को खा लेता है एंड देन इट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ दोज पपीलास, और उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। बाद में ये स्पोर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड दे आर ट्रैवलिंग इन द एयर एंड बहुत जगह जाके ये स्लाइम मोल्ड बनाते हैं। एंड स्लाइम मोल्ड जो के अंदर ये स्पोर्स जो है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट। कैसे, स्पोर्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, मतलब स्पोर्स कैसा फीचर दिखा रहे हैं, प्लांट लाइक फीचर दिखा रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट है, ओके। अगर ये पूरा का पूरा फूड यूज़ कर लेता है, ये पूरा प्लास्मोडियल यूज़ कर लेता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं होलोकार्पिक। अगर थोड़ा पार्ट यूज़ करता है तो इट इज़ कॉल्ड एज यूकार्पिक कंडीशंस, मतलब पूरा उसको खा के पपीलास बना देता है, स्पोरेंजिया बना देता है, तो हम उसको बोलते हैं होलोकार्पिक। अगर थोड़ा यूज़ करता है तो बोलते हैं यूकार्पिक। इसके अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। अब ये सब कैसे होता है, आई विल जस्ट टेल यू। स्पोर्स जो हैं वो हज़ारों करोड़ों साल तक प्रेजेंट रहते हैं, जैसे ही उनको पानी मिलता है
वेट कंडीशन मिलती है, ये फ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल्स बना देते हैं। इस तरह के फ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल्स बना देते हैं, फ्लैजिला है, स्वार्म सेल्स बना देते हैं। और अगर ड्राई कंडीशन है तो बिना फ्लैजिला के सेल्स बनाते हैं, तो ये ड्राई कंडीशन में इस तरह के सेल्स बनते हैं। और अगर वेट कंडीशन है तो दिस विल बी फ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल्स। एंड जो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं इस वाले कंडीशन के, जिनमें फ्लैजिला नहीं है, इनको मिक्स अमीबास कहा जाता है। एंड दे फर्टिलाइज, दे जाइगोट बनता है और फिर नया प्लास्मोडियल बनता है। जस्ट सी इन दिस, यू कैन सी हियर, जस्ट सी द वीडियो, देखो स्लाइम मोल्ड कैसे फैल रहा है। दिस इज द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं प्लास्मोडियल। ये जो येलो पार्ट है ये प्लास्मोडियम है। अब ये प्लास्मोडियम यूज हो रहा है, यू नो, ये खा रहा है। कौन खा रहा है? ये धीरे 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 ये प्लास्मोडियल जो है ये फैलता जा रहा है। एंड अनफेवरेबल कंडीशंस में, अब ये जब कंडीशंस ख़त्म हो जाएंगे, अब नहीं उसके उसको खाना नहीं मिल रहा है, ऐसे टाइम पे ये स्टॉप कर देगा ग्रो करना। एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म स्पोरेंजिया, और ये स्पोरेंजिया फंगस जैसा स्ट्रक्चर दिखाएगा। देखिए आप यहाँ पर, अब यहाँ पे स्पोरेंजिया बन रहे हैं, पपीले जैसे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। ये स्पोरेंजिया पूरा प्लास्मोडियल खा जाएगा, ये जो मास है प्रोटोप्लाज्म जिसको प्लास्मोडियल बोलते हैं उसको खा लिया। अब यहाँ पे देखो पपीले बनने लगे छोटे छोटे, यस सी दीज आर ग्रोइंग, स्पोरेंजियाज बन रहे हैं। ये देखो पपीलेज बन गए एंड इनके अंदर, दीज आर स्पोरेंजियाज, इनके अंदर स्पोर्स हैं। अब ये फट जाएंगे और बाद में ये सब जगह स्प्रेड आउट हो जाएंगे एंड दे विल रिजल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्लाइम मोल्ड। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला दिस इज अ स्लाइम मोल्ड, है ना, और ये स्लाइम मोल्ड कैसा है, इट इज़ अ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन को दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट, ये है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। और इसको हम, इस प्रोटोप्लास्ट को हम बुलाते हैं प्लास्मोडियल। ये क्या है? प्लास्मोडियल है। और ये कंडीशन कैसी है? सीनोसिटिक कंडीशन, मतलब इस न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, सीनोसिटिक कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, लेकिन इनके पास अपनी अपनी, इन न्यूक्लियस के पास सेल वॉल नहीं है। ओके, इसके बाद होता क्या है, धीरे धीरे ये पूरा का पूरा प्लास्मोडियल को यूज़ करके यहाँ पे स्पोरेंजिया बन जाते हैं। ये प्लास्मोडियम पूरा यूज़ कर लेता है, ये जितना भी मास है, प्रोटोप्लास्मिक मास जो है, ये प्रोटोप्लास्ट, इसको यूज़ करके धीरे धीरे इस तरह के स्पोरेंजियाज बन जाते हैं एंड रिजल्टिंग इन टू पपीलेज। आपने अभी अभी देखा इस तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर्स उस पूरे इस पर बन रहे हैं, है ना, इस पर ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस, इस तरह के स्ट्रक्चर्स तैयार हो जाते हैं, राइट। अब व्हाट हैपेंस लेटर ऑन, कि धीरे धीरे ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं इनके अंदर जो कवरिंग होती है, अंदर स्पोर्स भरे हुए, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया, इसको बुलाते हैं स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट हैं, ओके, एंड दीज स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड, ये स्पोर्स जब कंडीशंस फेवरेबल आएंगी तो ये फट जाएगा एंड फटने के बाद इट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इनटू रिलीज ऑफ दीज स्पोर्स आउटसाइड। ये जो स्पोर्स अंदर प्रेजेंट हैं, ये जो स्पोर्स प्रेजेंट है अंदर, ये पूरे के पूरे बाहर निकल आएंगे। अब इस टाइम पे होता क्या है, वैसे तो इतना काफ़ी है आपके लिए, बट अगर आप एम्स का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप आगे के जिपमेयर दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। अब होता क्या है, ये जो एक पपीला है, दिस वे एक सिंगल पपीला, इस पपीला में आई विल ड्रॉ विद वाइट ओनली, नहीं तो फिर आपको समझने में दिक्कत हो जाती है। ओके, ये एक पपीला है, ओके, मैंने एक बनाया, इसके ऊपर ये जो इस तरह के, यहाँ पर इस तरह का एक, इस तरह के पूरे उस पर कवरिंग प्रेजेंट होती है एंड इसको बोलते हैं कैपिलेशिया। इस कवरिंग को, ऊपर वाली कवरिंग को बोलते हैं पेरिडियम,
और पेरिडियम के अंदर जिस पर स्पोर्स लगे हुए, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे अंदर स्पोर्स हैं, एंड ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज कैपिलेशिया, जिस पर स्पोर्स लटके हुए अंदर की तरफ। अब होता क्या है, ये जो कैपिलेशिया है ये ट्विस्टिंग मूवमेंट दिखाता है, ट्विस्ट करता है। ट्विस्टिंग करते समय जैसे ही ट्विस्ट करता है ये ब्रेक हो जाता है, ओके तो ये जो स्पोर्स है ये ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट शोन बाय दिस कैपिलेशिया, एंड पेरिडियम टूट जाता है। पेरिडियम ब्रेक बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ कैपिलेशिया एंड दीज स्पोर्स आर रिलीज्ड आउट। दीज स्पोर्स आर हैविंग सेल वॉल अराउंड इट, इन स्पोर्स के आसपास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसका मतलब है दिस इज अ प्लांट लाइक फीचर। स्पोरेंजिया बनाया, दिस इज अ फंगस लाइक फीचर। सेल वॉल बनाई, इट इज अ प्लांट लाइक फीचर, ओके। अब ये नीचे गिर जाते हैं जब ये वेट कंडीशन, दो तरह का, जहाँ पे अगर इनको पानी मिल गया इनको तो दे विल फॉर्म द फ्लैजेलेटेड स्वार्म सेल्स बनाएंगे, अगर पानी नहीं मिला तो दे विल फॉर्म मिक्स अमीबेज एंड दे विल फॉर्म रिप्रोडक्शन करेंगे, दे विल फॉर्म जाइगोट एंड देन रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्लाइम